देश में नौकरियों के मौके तभी बढ़ेंगे जब इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर में ढलना शुरू होंगे। दरअसल कई छोटी मझोली कंपनियां सिर्फ इस वजह से कर्मचारी नहीं रखती है क्योंकि उन्हें ईपीएफ देना होगा, लेकिन इस समस्या का समाधान मोदी सरकार ने कर दिया है। सरकार 12% ईपीएफ खुद देगी, इसका क्या असर होगा देखिए रिपोर्ट। रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार काफी आलोचनाएं झेल रही है। मोदी सरकार ने हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन वादे और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने बजट में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जगी है। सरकार ने 3 साल तक सभी सेक्टर्स के लिए 12% के योगदान का ऐलान किया है। ऐसा अनुमान है कि इससे 80 लाख से 1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में फॉर्मल सेक्टर में अभी 11.2 करोड़ लोग काम करते हैं और अगर सरकारी कर्मचारियों को जोड़ लें तो आंकड़ा 12.7 करोड़ पर पहुंच जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मुताबिक पिछले 1 साल में ईपीएफओ में 1 करोड़ से ज्यादा नए मेंबर जुड़े हैं और इस फैसले से भारी संख्या में नए मेंबर बनेंगे। दूसरा, अभी अगर आप ये सुविधा 12% दे रहे हैं किसी भी सेक्टर में, कोई भी आदमी अगर एम्प्लॉयर ले रहा है जो ईपीएफ की लायबिलिटी देने के लिए, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और लाख से 1 करोड़ के बीच में लोग इसमें और जुड़ेंगे जिनको नौकरियां मिल सकेंगी। जानकारों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से एक और जहां 20 कर्मचारी से ज्यादा रखने वाली कंपनियां खुद से ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराएंगी, वहीं ईपीएफओ के नेट में आ जाने से कर्मचारियों को पेंशन, बीमा, लोन, एडवांस जैसी सुविधा भी मिलने लगेगी। इतना ही नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, लिहाजा देश में नौकरियों की सही तस्वीर भी सामने लाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन के अलावा छोटी मझोली कंपनियां भी नई भर्तियां करेंगी, क्योंकि 20 से ज्यादा कर्मचारी होने के बाद उनके लिए ईपीएफओ में योगदान का डर खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर सरकार ने एमएसएमई के लिए लोन और एनपीए के नियमों में बदलाव कर फॉर्मल सेक्टर में भरोसा जगाने की भी कोशिश की है, जिससे नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे। इससे एक रोजगार के सीधे सीधे मैं कहूंगा कि एक नया दरवाजा खुला है कि जब एमएसएमई स्ट्रेस फ्री होगा, ईज ऑफ डूइंग होगा, तो स्वाभाविक है उसके फलने फूलने के अवसर मिलेंगे। जाहिर है फॉर्मल सेक्टर में नौकरियों के लिहाज से आने वाले साल काफी अहम होंगे। सरकार ने बुनियाद तो रख दी है, बस इसका असर देखना बाकी है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।